बिहार में चल रहे सत्ता परिवर्तन के हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने वाली खबरों पर गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई अंतिम मोहर। 27 जनवरी को शाम 4 बजे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों की विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें भाजपा विधायकों को नीतीश सरकार में शामिल होने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे और 28 जनवरी को सुबह 10 बजे नीतीश कुमार जदयू के सभी विधायकों, सांसदों और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे, जिसके बाद आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन से इस्तीफा देंगे और जेडीयू को एनडीए में शामिल कर 28 जनवरी को ही दोपहर बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। भाजपा आलाकमान ने बिहार बीजेपी नेताओं से दिल्ली में लगातार बैठकें करने के बाद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का फैसला लिया है। साथ ही अमित शाह ने जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सहित अन्य सहयोगी दलों से समझाइश करने का काम पूरा कर लिया है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने आज सीएम नीतीश कुमार को 3 बार फोन किया, लेकिन जेडीयू प्रमुख ने उनका फोन तक नहीं उठाया। इस वक्त की बड़ी अपडेट, 28 जनवरी को एनडीए में शामिल होकर नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। 28 जनवरी को ही जेडीयू के विधायकों की विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद राज्यपाल को इस्तीफा देकर के एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होकर के बीजेपी के समर्थन से दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।